हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पेनेकल केयर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बच्चों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, यानी कि आज हम बात करेंगे साइंस के ऊपर। और साइंस एक ऐसा टॉपिक है, अगर इस टॉपिक की बात करी जाए तो लगभग जब भी मतलब रिसेंट जितने एग्जाम्स देखे हैं, जब पेपर बच्चे देके आते हैं तो वो सिर्फ यही चीज बोलते हैं कि मतलब साइंस में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो साइंस में आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और जैसे आपका आने वाला एग्जाम है मध्य प्रदेश पटवारी का, इसके अलावा मध्य प्रदेश एसआई का, इन दोनों के दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन में बात हो रही है इक्वेशन की, और इक्वेशन कौन सी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। अगर HCl NaOH का रिएक्शन होता है तो फाइनल कंक्लूजन क्या बनेगा? तो ओवरऑल कंक्लूजन जो बनेगा वो ये हो रहेगा कि इसका एक H पार्ट, यानी कि पहले HCl का एक H पार्ट और OH का, दोनों OH मिला के, तो ये ओवरऑल चीज क्या बन जाएगी? H2O, यानी कि वाटर। और प्लस एक और चीज जो बचेगी वो क्या बनेगी? Na प्लस Cl, यानी कि NaCl। तो ओवरऑल चीज क्या आपके सामने बन के आ गई? NaCl। तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पे ना बनाई जा सके, उस इमेज को क्या बोलते हैं? उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी बिंब। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ, यानी कि ऐसे कौन से मिरर्स रहते हैं जो डेंटिस्ट यूज करते हैं टीथ की बड़ी इमेज देखने के लिए? तो ऐसे कौन से मिरर रहते हैं? ये काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का आंसर होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर में जो आपको इमेज दिखाई देती है वो ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। इसी तरीके से कॉनवेक्स मिरर एक ऐसे मिरर होते हैं जिसमें इमेज छोटी दिखाई देती है। तो कॉनकेव मिरर इज द फाइनल आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको क्या बताना है? कथन की पहचान करें जो कि गलत है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? एक्सेसिव करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट आर ड्यू टू, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्सेसिव करंट इनमें से किस चीज के कारण होता है? तो आपके सामने जो ऑप्शन नंबर ए है वो है डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स, तो यानी कि डायरेक्ट टच होने के, वायर के डायरेक्ट टच होने के कारण होता है, ये सही चीज है। कनेक्टिंग मैनी डिवाइसेस टू वन सॉकेट, इसके कारण भी एक्सेसिव करंट होता है, ये भी सही है। लेकिन इंसुलेशन ऑफ वायर्स, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि इंसुलेशन ऑफ वायर्स के कारण एक्सेसिव करंट नहीं होता। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि इंसुलेशन ऑफ वायर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बात हो रही है बकल कैविटी प्लस ईसोफेगस प्लस स्टोमक, इसमें आपको क्या बताना है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि बॉडी में जब खाना पास होता है, यानी कि बॉडी में जो ओवरऑल खाना जाता है, हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी रहती है इसमें जब खाना जाता है तो आपको बताना है कि किस ऑर्डर में जाता है। तो अगर ऑर्डर की बात करी जाए तो किस ऑर्डर में जाता है? सबसे पहले जाता है बकल कैविटी में, सबसे पहले जाता है बकल कैविटी यानी कि मुख्य कुहिका, फिर जाता है ग्रास नली में, फिर जाता है अमाशय में, फिर जाता है छोटी आंत में, फिर जाता है बड़ी आंत में, फिर जाता है मलाशय में, और फिर जाता है गुदा में। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिखाई दे रहा है, बकल कैविटी प्लस ईसोफेगस प्लस स्टोमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन देन रेक्टम देन एनस, तो इट इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले आंसर की, अगले क्वेश्चन की। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्लांट टेक प्लेस इन द, यानी कि भोजन, पौधों में भोजन का संश्लेषण कहां पर होता है? तो भोजन के अगर संश्लेषण की बात करें तो संश्लेषण कहां पे होता है? पत्तियों में होता है, पत्तियों में भोजन का संश्लेषण होता है। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां पे बात हो रही है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट में किस चीज का यूज होता है? तो वर्मी प्रोसेसिंग जो टॉयलेट रहती है यहां पे किस चीज का यूज किया जाता है? यहां पे यूज किया जाता है कैचुओं का। किस चीज का यूज किया जाता है? कैचुओं या फिर अर्थवॉर्म का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्मॉल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ एन स्मॉल मेटेलिक बॉल, इस बॉल को क्या कहा जाता है? अगर हम पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम आपको कैसा होता है? कैसा वर्टिकल सी होती है और इसमें एक छोटी सी बॉल लगी रहती है जो कि पूरी की पूरी टू एंड फ्रो मोशन में घूमता है। तो इस बॉल को क्या बोला जाता है? इस बॉल को बोला जाता है बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब, बॉब द बिल्डर, यानी कि बॉब द बिल्डर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्टिलीन, मिथाइल ब्लू और चाइना रोज। इनमें आपको बताना है कि नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है।
तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो चाइना रोज एक ऐसा इंडिकेटर रहता है जो नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है, बाकी तीनों के तीनों जो इंडिकेटर हैं ये तीनों क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, यानी कि ये सिंथेसिस आर्टिफिशियली करे जाते हैं जबकि चाइना रोज एक नेचुरल इंडिकेटर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, दिस इज बिकॉज, अगर आयरन नेल को यानी कि Fe प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसको अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहां पे क्या बन जाएगा, Fe जो जाएगा वो किस चीज को रिप्लेस कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आ गया Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू क्या हो गया FeSO4 प्लस Cu, तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया फेरस सल्फेट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, इसमें आपको क्या बनना था, फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट इज फॉर्म। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इफ द पीएच ऑफ द सॉइल सैंपल इज 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी एडेड टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, अगर सॉइल का पीएच ऑलरेडी 4 है यानी कि 4 सॉइल का पीएच है उसमें से आप क्या ऐड करोगे जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, तो इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, इसका आंसर आपको बताना है, तो इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, यानी कि अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात करें तो विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है वो किस चीज में मदद करता है, ये मदद करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, किस चीज में मदद करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, क्या ये गलत है, नहीं भाई ये चीज सही है, हवा गर्म करने पर फैलती है, क्या ये चीज गलत है, नहीं ये चीज बिल्कुल सही है, धुआं हमेशा ऊपर उठता है ये भी चीज बिल्कुल सही है, तो इसमें से गलत क्या है यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, जब करेक्ट आंसर की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर है 4 यानी कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो क्षेत्र का दबाव बढ़ जाता है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है और यहाँ पे आपको क्या चुनना था गलत कथन को, तो ऑप्शन में से आंसर क्या हो गया चौथा वाला, क्योंकि गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो क्षेत्र का दबाव यानी कि प्रेशर नहीं बढ़ता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस बिजली उपकरण पर ISI मार्क सुनिश्चित करता है, अगर किसी बिजली उपकरण पे ISI मार्क दिख जाता है, अगर आपने टेलीविजन एड में भी देखा होगा तो वहां पे कहते हैं ISI मार्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो उपकरण आप यूज कर रहे हो वो सुरक्षित है तथा ऊर्जा का क्षय न्यूनतम है यानी कि ऊर्जा का क्षय जो सबसे कम हो रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सोने वाले कमरों में पौधों को क्यों नहीं रखा जाता, सोने वाले पौधों को कमरे में पौधों को क्यों नहीं रखा जाता, तो इसलिए इनको नहीं रखा जाता, ये जल और आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, ये जल और CO2 का इस्तेमाल करके स्टार्च का निर्माण करते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए इनको आपके कमरे में नहीं रख सकते ताकि नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार, तो आपको ऑलरेडी पता है कि अर्थ क्या है एक प्लैनेट है, मून क्या है एक सैटेलाइट है, जुपिटर एक प्लैनेट है, तो उसमें से जो आपको बताना है कि स्टार कौन सा बचा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो अगला ऑप्शन क्या होगा इस चीज का, ऑप्शन में क्या आएगा आंसर सन, तो सन क्या हो गया आपका एक स्टार हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फॉसिल फ्यूल है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, भाई कोयला ही एक ऐसी चीज है वर्ल्ड भर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इस कोयले की अगर हम बात करें तो कोयले के कारण पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए कोयले का यूज अब धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, तो कोयला एक ऐसी ऑप्शन है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा था यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम्ब होती है, चार्ज की क्या यूनिट होती है कूलम्ब, लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है एम्पियर सेकेंड, तो अगर ऑप्शन चार ऑप्शन में से हमें चुनना हो तो इसमें से चार्ज की यूनिट क्या आएगी एम्पियर सेकेंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, यानी कि बिजली द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन क्या कहलाता है, तो अगर हम इसकी अपघटन की बात करें तो ये प्रोसेस पूरी की पूरी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन के बारे में बता दूं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लगभग 7 से 8 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, यानी कि वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं, हाउ मच टाइम सनलाइट टेक्स टू रीच ऑन द प्लैनेट, यानी कि सनलाइट को प्लैनेट तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है, तो इसमें जो टाइम की बात करें तो टाइम कितना लगता है 8 मिनट,
अब आपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज करना पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको आने वाली सारी की सारी अपडेट्स मिलती जाए। अगले एक या दो दिन में हमारी आ रही इंग्लिश की स्पेशल क्लास, जिसमें इंग्लिश से हम रिलेटेड टॉपिक्स की बात करेंगे, तो उस क्लास के लिए भी आपको तैयार रहना है। इसके अलावा कल अगर हम बात करें तो कल जो आपको लेक्चर आने वाला है वो आएगा आपका मॉक पेपर जो मैं पटवारी के लिए डाला था, उसका मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हो, तो कल मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, लैक्टोज ब्रेक डाउन इनटू, यानी कि लैक्टेज के प्रेजेंट में लैक्टोज किस 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 चीज में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो लैक्टोज जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो ऐसे पार्ट रहते हैं इसमें लैक्टेज ब्रेक डाउन हो जाता है। स्किन इज आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द फ्रॉग, स्किन जो होती है वो फ्रॉग में आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों होती है? देखिए भाई, इसके पीछे तीन रीजन है, तीनों के तीनों रीजन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है हाईली वैस्कुलर, यानी कि अधिक संवहनीन होने के कारण। दूसरा रीजन है कैप्ट मॉइस्ट, यानी कि नम होने के कारण। और तीसरा रीजन क्या है? डिवॉइड ऑफ हेयर एंड स्केल्स, यानी कि इस पे सल्क और रोमों की अनुपस्थिति होने के कारण। तीनों के तीनों रीजन दिए हैं, ये तीनों के तीनों रीजन सही है, और इसके कारण जो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस इफ वन लिव्स एट हायर एल्टीट्यूड बिकॉज, अगर कोई ऊंची जगह पे रह रहा है, यानी कि आप हायर एल्टीट्यूड पे किसी माउंटेन पे जाके रहने लगो, तो आपके ब्लड में है वो आरबीसी ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि अगर माउंटेन की बात करें तो माउंटेन पे ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी होती है, इस कारण आपके ब्लड में जो आरबीसी का अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द वुमेन कैप्सूल फंक्शंस एज अ, वुमेन कैप्सूल के फंक्शन क्या होते हैं? तो वुमेन कैप्सूल का फंक्शन बेसिकली रहता है फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि फिल्टर करने का काम करता है वुमेन कैप्सूल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें आपको करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है। इसमें आपको क्या दिया है? एक ऑर्गन दिया है, ऑर्गन के हिसाब से ग्रोथ मतलब हार्मोन्स दिए हैं, तो आपको मैच करना है कि इन दोनों में से कौन सा हार्मोन और ऑर्गन करेक्टली मैच्ड है। तो अगर आप देखें तो टेस्टिस प्लस टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों, अगर टेस्टिस ऑर्गन की बात करें तो इसमें से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, तो एकदम करेक्ट मैच है। तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेप्टिव पार्ट ऑफ कार्पल इज, कार्पल में रिसेप्टिव पार्ट क्या होता है? कार्पल अगर बात करें तो एक, अगर आपने उसके बारे में पढ़ा फ्लॉवर के बारे में, तो फ्लॉवर में एक पार्ट होता है कार्पल, और इसमें आपको बताना है कि रिसेप्टिव पार्ट कौन सा होता है, यानी कि जायांग का ग्राही भाग कौन सा होता है। तो ग्राही भाग कौन सा होता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा एक चिपचिपा सा जो पार्ट रहता है, अगर आपने कभी फ्लावर को टच करके देखा तो चिपचिपा वाला जो हिस्सा रहता है वो क्या रहता है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा का कौन सा पार्ट रहता है? रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द कार्पल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये प्रपोज किया था लैमार्क ने। किसने प्रपोज किया था? लैमार्क ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स आर, ग्रीन प्लांट्स का क्या काम रहता है? अगर फूड चेन की बात करें तो फूड चेन क्या होती है? एक जानवर ने दूसरे जानवर को खाया, दूसरे जानवर से तीसरे जानवर में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तो इसमें पूरी की पूरी फूड चेन इस तरीके से डेवलप हो जाती है। और इन एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स का अगर हम बात करें तो ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स एज अ खाना वर्क करते हैं, ये किसी को खाते नहीं है, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, खाने को प्रोड्यूस करते हैं, और जो जानवर होते हैं वो उन चीजों को खाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पेट्रोलियम क्या है इन चारों में से? पेट्रोलियम एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, यानी कि अनवीनीकृत रिसोर्स, यानी कि जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं नहीं आ सकता। इसके अलावा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, उसके अलावा तीसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और चौथा आपको ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स यानी कि अनवीनीकृत संसाधन और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, तो ये दोनों बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन आपको दिया गया है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं ओके जस्ट अ सेकंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी कि अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मुझे इसमें शायद ऑप्शन में कोई गलती दिख रही है। एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल इसमें दोनों दिया है, लेकिन जो आंसर होना चाहिए वो इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि सेल वॉल इनमें से किस चीज से नहीं बनती है, इनमें से किस चीज से मिलकर नहीं बनती है? तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल बैक्टीरिया में बैक्टीरिया से नहीं बनती है, यानी कि इनमें से किसकी सेल वॉल? सेल्यूलोज से नहीं बनती है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से नहीं बनती है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस।
अगले आने वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें या फिर आने वाले लेक्चर्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। ये पेट्रोलियम वाले क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, इसमें शायद ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसकी बात भी हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। लेकिन आपको एक और चीज करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले लेक्चर्स की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल का जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप इसको सब्सक्राइब कर सकें और आने वाले लेक्चर्स की आपको अपडेट मिलती रहे। अगर आपको कोचिंग से रिलेटेड किसी भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी की जरूरत है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर है 9039055453। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।